तो गाइस हमारा डे टू की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है आज, और हमने सबसे पहले स्टार्ट किया हमारा सिल्वर ब्रुक होटल का चेकआउट करके। वहाँ से हम निकले शिलोंग टू चेरापुंजी की ओर, और हमने ये चीज़ देखी कि कई सारे वाटरफॉल हैं जो कि अभी सूखे पड़े क्योंकि मौसम तो है नहीं है, बट कुछ अभी भी रनिंग है जो कि मैं आज कवर करने वाला हूँ वाइल गोइंग फ्रॉम शिलोंग टू चेरापुंजी। हमारा जो गाइड है अर्ली भैया, तो उनने हमको बताया कि आप चेरापुंजी जाओगे सारे वाटरफॉल्स अभी नहीं रनिंग है क्योंकि दिस इज़ नॉट द मानसून सीज़न, बट कुछ ऐसे वाटरफॉल हैं इस सीज़न में जो कि रनिंग रहते हैं, और यही एक ब्यूटी है इन वाटरफॉल्स की क्योंकि आप इस मौसम में विजिट कर सकते हो। क्योंकि आप मानसून में आओगे तो इसका जो रूट है आने का ना, वो आप देखना मेरे वीडियो में भी, इतना डिफिकल्ट है कि मानसून में तो आप आ ही नहीं सकते क्योंकि इसी मौसम में इतना डिफिकल्ट हो रहा है, तो बारिश गिरेगी तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो कुछ ऐसे वाटरफॉल्स हैं जो इस मौसम में एक्सप्लोर किए जाएंगे, कुछ ऐसे वाटरफॉल होते हैं जो सिर्फ मानसून में ही विजिट किए जाते हैं। सो गाइस रास्ता बहुत ज़्यादा शानदार है, जब आप ट्रैवल करोगे चेरापुंजी की तरफ आपको पूरे रास्ते में सीनिक ब्यूटी देखने को मिलेगी। सो आप ध्यान जरूर दीजिएगा कि आप पूरा एंजॉय कर रहे हैं अपना रास्ता। सो हमने होटल में चेक इन करने के बजाय चेरापुंजी में ना घुसते हुए हम थोड़ा साइड से निकल के अपने बाकी वाटरफॉल्स की तरफ मूव कर गए। सो हमारा पहला वाटरफॉल आ चुका है जिसका नाम है लिंगशेयर वाटरफॉल। सो गाइस यहाँ पे कोई भी वाटरफॉल में आपको जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ेगा डाउन स्टेयर्स और वापस आना, मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप जल्दी जल्दी सारे वाटरफॉल कवर नहीं कर सकते। गाइज आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप अपने साथ कैश जरूर लेके आएँ, क्योंकि आप जितने भी वाटरफॉल जाओगे आपको वहाँ पे अपनी कार की पार्किंग देनी होगी और पर पर्सन पैसों की एंट्री देनी होगी। सो आप जस्ट मेक श्योर कि यू हैव द सफिशिएंट कैश। सो गाइज दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स नॉट बेसिकली इन द चेरापुंजी, इट्स समवेयर आउटसाइड एंड द नेम ऑफ द फॉल इज द लिंगशेयर फॉल। Usually tourists don't visit over here, but somehow we managed to reach here with our travel guide. So enjoy the view. ये लिंगशेयर वाटरफॉल आप देखोगे तो इसमें आपको इतना पानी नहीं दिखेगा क्योंकि ऑफ सीजन है, बट स्टिल वी हैव सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। लेट मी पुट माई GoPro इनसाइड द वाटर एंड हैव अ लुक टू द क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर। कई मेघालय के वाटरफॉल्स की एक बात बहुत मुझे अच्छी लगी कि सारे के सारे क्रिस्टल क्लियर वाटर होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे वाटरफॉल्स। सो गाइज आफ्टर लिंगशेयर वाटरफॉल वी हेडेड टू द नेक्स्ट वाटरफॉल विच वॉज जस्ट 5 मिनट्स अवे फ्रॉम द लिंगशेयर वाटरफॉल, एंड इसी वाटरफॉल का पानी एग्जैक्टली वहाँ जाके फ्लो होता है, बट अभी इतना एक्टिव नहीं है ये वाला, बट स्टिल वी विजिटेड टू हैव अ लुक। सो गाइज आफ्टर दिस वी मूव टूवर्ड्स आर थर्ड वाटरफॉल, द नेम इज़ वी सोडोंग वाटरफॉल, एंड ये एक 3-स्टेप वाटरफॉल है। सो इसका जाने का रास्ता भी बहुत ज़्यादा शानदार है, और यहाँ पे आपको ट्रैक भी काफ़ी करना पड़ेगा क्योंकि एक ट्रैक आप करोगे इसके टॉप व्यू का और एक करोगे आप इसका बेस पे पहुँचने के लिए वाटरफॉल के। सो गाइज बी प्रिपेयर्ड विथ योर रियली गुड ट्रैकिंग शूज़, तभी आप पहुँच पाओगे बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गो डाउन देयर एंड कम बैक टू सी द टॉप व्यू ऑफ द वाटरफॉल। गाइज वी नीड टू टेक द लेफ्ट फ्रॉम हेयर। Now you see the waterfall guys, 3-step waterfall है, ये एक अलग ही level पर beauty है, मतलब इससे पहले मैंने इतना शानदार waterfall नहीं देखा था, and I can imagine कि ये monsoon season में कितना ज़्यादा flourished होता होगा और कितना ज़्यादा mesmerizing experience देता होगा। So guys now moving towards the base of the waterfall, and इसको नीचे तक जाने के लिए आपको एक mini trek करना पड़ेगा क्योंकि एंड इट्स नॉट दैट ईजी गाइज, बिकॉज इसमें प्रॉपर स्टेयर्स भी नहीं है एंड लकड़ियों का पूरा स्टेप जैसा बनाया हुआ है काम चलाओ, एंड विच इज़ वेरी शेकी एंड आपको थोड़ा डर भी लगेगा जाने में, बट ठीक है आप फाइनली पहुँच जाओगे नीचे तो आपको काफ़ी वर्थ इट लगेगा वहाँ जाना। मेघालय में गाइज किसी भी वाटरफॉल पे जाने के लिए आपको एक मिनी फॉरेस्ट से गुजरना पड़ेगा, एंड विच इज़ वेरी वेरी ग्रीन एंड डेफिनेटली यू विल एंजॉय द फ्रेश एयर ओवर देयर। लकी लेवल पे एक ब्यूटी है नीचे वाटरफॉल की जो फाइनली कलेक्ट हो रहा है वाटर एक जगह पे, एंड दैट इज़ अ ग्रीन ब्लू कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर। वहाँ पे आप जाके फिर से अपना वाटर एंजॉय कर सकते हो पानी में अगर आप लाए हो कपड़े वगैरह। सो गाइज वाइल कवरिंग ऑल दीज 3 वाटरफॉल्स वी मिस्ड आवर लंच, सो फाइनली इट्स ऑलमोस्ट 4 PM इन द इवनिंग एंड वी मूव टूवर्ड्स द सपर पॉइंट सो वी कैन ईट समथिंग, एंड वी रियली एंजॉयड वन मोर थिंग ओवर देयर एंड दैट इज़ आर 4th डेस्टिनेशन द नोकालिकाय फॉल्स। So we had our lunch over there at 4 PM and enjoyed the waterfall at the same time, because वहीं पे आपको एक रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा वाटरफॉल के पास जहाँ पे विंडो से आप वाटरफॉल भी इंजॉय कर सकते हो और आप अपना लंच भी कर सकते हो, एंड वी इवन enjoyed the sunset view at that point only. So finally our day 2 just ended and we booked our hotels for today. The name of the hotel is Abode of Clouds. And it has a really good view for Bangladesh as well. Just have a look on the room. So guys, हमारा थर्ड डे और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू द लिविंग रूट ब्रिजेस एंड वी विल बी स्टेइंग ओवर देयर इन द नॉन क्रिएट विलेज।
सो डोंट मिस माय नेक्स्ट वीडियो।